देखिए मिश्रा जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, विभिन्न विषयों पर बेबाक बोलते हैं, सही गलत को सही और गलत बताते हैं। तो ये जो मैं सवाल उठा रहा हूँ कि इस वक्त शांति का संदेश देने के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को क्यों नहीं हिंदुस्तान में अपने नागरिकों को शांति का पाठ पढ़ाने के लिए सामने आना चाहिए? जी एके मिश्रा जी, देखिए आपकी बात बहुत सही है और ये होना चाहिए। मैं ये बोलता हूँ, हम देश की बात करें, आप भी देश ही की बात कर रहे हैं, जितने और प्रवक्ता हैं वो देश की ही बात करेंगे, चाहे और एक आम इंसान भी देश की ही बात करेगा, चाहे किसी भी धर्म जाति या समुदाय का हो। रही बात शांति का पाठ, कितने हजार सालों से शांति का पाठ कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, आप कोई भी पूजा अनुष्ठान हो रहा हो मंदिर में, आप चले जाइए, ओम शांति, दौ शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पतय शांति, शांति, ये सब शांति का ही पाठ। तो शांति का पाठ क्या इस देश ने, इस देश के लोगों ने कम पढ़ाया है? इसको जाति धर्म से मत जोड़िएगा, मैं केवल हिंसक प्रवृत्ति के लोगों की मैं बात कर रहा हूं, उनके लिए क्या शांति का पाठ इसके पहले नहीं पढ़ाया गया? और अगर मोदी जी बोलेंगे, मोदी जी ने चलिए बोला था, मोदी जी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इससे इससे बेटर थोड़ी बोल पाएंगे। इतनी शांति की स्थापना, इतना पाठ अशोक ने शांति का पाठ पढ़ाया, बुद्ध ने शांति का पाठ पढ़ाया, हर युग में लोगों ने शांति का पाठ पढ़ाया, लेकिन यहाँ शांति नहीं हो रही है। तो मेरे ख्याल से एक सवाल आपका और था कि मोदी जी बोल क्यों नहीं रहे हैं, तो उसका जवाब हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी कभी बोला था कि मेरे लाख जवाबों से बेहतर मेरा मौन है, ठीक है, मेरा खामोश रहना। और ये कर्म का टाइम है, कर्म का टाइम मतलब ये है, मैं केवल और केवल उन लोगों के खिलाफ बोल रहा हूँ जो लोग आपत्तिजनक बोलते हैं, जो हिंसक होते हैं, पत्थर उठाते हैं और किसी भी तरीके से तोड़फोड़ करते हैं। शांति का पाठ हजारों साल से पचासों नेताओं ने, महर्षियों ने, ऋषियों ने, धर्म गुरुओं ने इस देश में दिया है, थोड़ा कर्म होना चाहिए। आप मुझे बताइए, एक साल तक शाहीन बाग में होता रहा, क्या वो शांति का पाठ नहीं था? एक पुलिस की लाठी नहीं चली है। किसान आंदोलन एक साल तक होता रहा, सरकार शांत ही थी ना, तो एक लाठी नहीं चली थी सर, एक लाठी नहीं चली थी। तो मुझे ये लगता है कि कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से जो प्रोविजंस हैं गवर्नमेंट को लेना चाहिए। शांति का पाठ शांति वालों के लिए होता है, प्रेम जी हमारे लिए है, आपके लिए है, जो बड़े से बड़े मुद्दे को फोन पे बात करके, मिल करके, डिबेट में बात करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हमारे आपके भी बहुत मतभेद रहते हैं, लेकिन न कभी आपने पत्थर उठाया, न कभी मैंने डंडा चलाया। तो शांति का पाठ शांति को मानने वालों के लिए है। जैन धर्म का तो है ही सिद्धांत ही यहाँ पे है, सिखिज्म का ले लीजिए, जैन धर्म वालों ने बोला जियो और जीने दो। अब कितना शांति का पाठ आपको पढ़ना है सर? मिश्रा जी, थोड़ा सा आपको रोकना चाहता हूँ। आपने शांति का, जो हमारे देश में प्राचीन परंपरा शांति की रही है, उसकी याद दिलाई है, और जो सहिष्णुता सनातन धर्म में रही है प्रकारांतर से, आपने उसकी भी याद दिलाई है। तो ये सहिष्णुता ही हमारी ताकत है और हमारे देश की ताकत है। और इस जो कोई भी इस सनातन के संपर्क में आया, वह भी कहीं ना कहीं हमसे प्रभावित हुआ। हम का मतलब सनातन थे, क्योंकि मैं भी उसी परंपरा से हूँ, तो हम कभी दूसरों से प्रभावित होकर असहिष्णु नहीं होने गए। किसी ने हम पर पत्थर चलाया तो हम पत्थर चलाने नहीं लगे। तो आज कोई अगर दुनिया में अलकायदा बनेगा तो हम हिंदू अलकायदा बनाने नहीं लग जाएंगे, ये कहने का अर्थ ये है। और दूसरी, हमने कब पत्थर चलाया आप बताइए ना, हमने कब पत्थर चलाया? मैंने वो कहा भी। हम मतलब सनातनियों ने कब पत्थर चलाया बताइए जरा, शाहीन बाग में चला दिया, कहीं चला दिया, ठीक है, लेकिन वहां पर पहले भी हमारे देश में भी जो मामले हुए उसमें दुनिया के देश कभी बोलने नहीं आए थे। ये 75 साल के इतिहास में योगेश जी पहला मौका है जब इस्लामिक देशों ने इकट्ठा होकर हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने का दुस्साहस किया है। अब मैं आपके पास आता हूं इस व्यू पॉइंट के साथ। अब भी क्या प्रधानमंत्री जी की चुप्पी इसलिए है कि चीजों को होने दिया जाए?
अब हमें 80-20 का नारा देना नहीं पड़ेगा, जनता खुद ब खुद 80-20 में पड़ जाए। प्रेम कुमार जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बोला कि सारे के सारे इस्लामिक मुमालिक जो हैं इससे पहले देश के कभी खिलाफ नहीं हुए थे। मैं थोड़ा सा ज्ञानवर्धन के लिए बता दूं, कश्मीर में धारा 370 हटी थी तो OIC ने कुछ बिल वगैरह पास किया था, स्टेटमेंट दिया था, 2-3 बार अभी ये रिसेंटली दे चुके हैं, तुर्की ने दिया था। और हजारों साल का इतिहास आप उठा लीजिए, हजारों साल का, मैं अभी आजादी के बाद 60-70 साल का नहीं बोल रहा हूँ, जब इनको मौका मिला है और जितनी ताकत से मौका इनको मिला है, इन्होंने छेड़खानी हिंदुस्तान के साथ की है। सारे उदाहरण आप देख लीजिए ना, आक्रमण के भाई, वो यहाँ के ना तो नागरिक थे, ना लेना देना था, ना कोई दुश्मनी थी, कुछ नहीं था, राजा दाहिर से लेके अब तक। अच्छा छोड़िए, इसको जाने दीजिए, इसमें कोई वो नहीं, इतिहास इतिहास की बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा दर्शकों को समझा कर रखे। नहीं नहीं, हमने आपको बताया, अभी पिछले 2-3 सालों में, 5 सालों में OIC ने इंटरफियर किया था, कश्मीर वश्मीर के मामले पे भी किया था, जो प्योर पॉलिटिकल मुद्दा था कि 370 क्यों हट रहा है, वो बैक में जाके आप देखिएगा। तो यहाँ ये है कि जबरदस्ती इंटरफियरेंस इंडिया के बहुत सारी कंट्रीज करती हैं, मैं केवल उन्हीं की बात नहीं करता हूँ। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बोली है ना, मैं एक सवाल भी आपसे पूछना चाहता हूँ। एक जुमला चलता था बीजेपी के खिलाफ कि बीजेपी ऐसी वॉशिंग मशीन है कि इधर से डालो उधर से निकालो सब साफ। हाँ, आज मैं यही बोलता हूँ कि भाई जो समाजशास्त्री हैं, जो बिहेवियर के एक्सपर्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो जरा इस चीज की एनालिसिस करें कि कुछ लोग 100-150 हजार 2 हजार लोग एक पूजा स्थल पे गए, आधे घंटे पूजा किया और वहां से निकलने के बाद उनका तन भी एकदम से बदल गया और मन भी बदल गया, पूरा आचरण बदल गया, इधर से गए और उधर से निकले तो एक पूरा न जाने कौन सा नया मानव बन के वो निकल गए और एकदम उनका बिहेवियर बदल गया। तो इस पे भी जरा समाजशास्त्रियों को या जो कंसर्न रखते हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, इस पे भी बहस होनी चाहिए कि ऐसा आधे घंटे में क्या हेर फेर हो जाता है। इतना तेज वॉशिंग मशीन तो भाई कहीं नहीं दिखा है कि पूरा तन और मन दोनों ही बदल दे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बोली कि प्रधानमंत्री जी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने जो, या जो भी जिम्मेदार लोग हैं, हम आप या और भी जो हैं, उन्होंने बहुत, हमने बताया हजारों साल का इतिहास है, हम शांति पाठ ही करते आ रहे हैं, सनातन जब से पैदा हुआ है। कुछ लोगों को शांति पाठ सुनाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है, वो बहरे हो जाते हैं, तो उनके लिए दूसरा पाठ होता है। मुझे ये लगता है कि सरकार या उस दायित्व पे बैठे हुए लोग, उन पदों पे बैठे हुए लोग, संविधान के हिसाब से जो भी हिंसक रहा हो, जिसने भी समाज के लिए कुछ गलत किया है, कानून के हिसाब से वो एक्शन ले रहे हैं। आपको एक कहावत, एक्शन स्पीक बेटर देन वर्ड्स, हाँ लाउडर, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो अब वो चीज चल रही है, शांति पाठ तो बहुत हो गया सर, कितना शांति पाठ करें, आप बोलिए तो मैं पूरा शांति पाठ, जिन लोगों को नहीं समझ में आया, नहीं आया होगा, मैं अभी फिर से रिपीट कर देता हूँ। शांति पाठ आप अपने लिए जरूर करते रहे हैं, देश के लिए शांति पाठ करने की जरूरत नहीं, पूरे, अरे देश नहीं सर, नहीं 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 प्रेम जी, पूरे यूनिवर्स के लिए है। ओम शांति, दौ शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पति शांति, पृथ्वी शांति, पृथ्वी और अंतरिक्ष तक के लिए कामना की गई है, वनस्पतियों तक के लिए की गई है। आप कहां से बोल रहे हैं प्रेम कुमार जी, कितना शांति पाठ करें, कितना शांति पाठ करें, तो मुझे आप क्या समझाएंगे, आस्था नहीं होगा। जिन लोगों को शांति पाठ पिछले 5000 सालों से, जो लोग कान में तेल डाल के बैठे हैं, शांति पाठ नहीं समझ में आ रहा है, उनके लिए दूसरे पाठ की जरूरत है। और वो जो भी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी किसी भी देश में, वो करेगी। अब वहाँ फ्रांस में हुआ था ना शांति पाठ, एक दूसरा पाठ हुआ था। ठीक है मिश्रा जी, मैं इम्पोर्टेंट थिंग जो आपने बोली, एक मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, मेरे दिमाग में अनायास आ गया है। ये सारी चीजें करने से किसको फायदा किसको नुकसान होता है, एक पिक्चर आई थी माई नेम इज खान, कुछ लोगों ने, या बोलिए सबने, या कैसे भी जो भी बोलना हो बोल लीजिए, ये सारी चीजें हरकतें थी। उस पिक्चर में दिखाया गया था केवल सरनेम खान होने के कारण कितनी प्रॉब्लम आती है, कितना बड़ा नुकसान होता है, आपको पता है। जिन जो लोग ये ऐसा करते हैं, फिर दोष ये मत दीजिएगा कि जी ब्रिटेन हमें वीजा नहीं दे रहा है, अमेरिका हमें निकाल रहा है, चाइना हमारे, और एक सबसे बड़ा चीज, अब चाइना बोलेगा कि देखो हम जो कर रहे हैं वो सही है,
अब और देश बोलेंगे कि हम जो कर रहे, फ्रांस बोलेगा कि हमने जो किया वो सही है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का, हम तो डूबेंगे ही सनम, और जो शांति से जीना चाहते हैं उनको भी पूरी दुनिया में हम डुबो के छोड़ेंगे। रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पूरी दुनिया में जाता है। ये चीजें अभी नहीं दिखाई दे रही है, ये चीजें तब दिखाई देंगी जब अपना पासपोर्ट लेके कहीं खड़े हो गए और वो नाम देख करके वहां पे आपको चार बार ऊपर से लेके नीचे तक दिखेगा। अरे कुछ तो अकल करिए, ये बड़े लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होते हैं इन सब चीजों के। से जुदा वालों से आप प्रभावित हो रहे हैं, से जुदा नहीं, नहीं हम प्रभावित नहीं। सबसे बड़े सब जो मैंने आपको माई नेम इज खान वाला बताया, इसका असर उन्हीं लोगों को पड़ेगा जो अच्छे ईमानदार शांति प्रिय लोग हैं उस कौम में, उसका असर उनके ऊपर पड़ेगा जब वो जाएंगे अपना पासपोर्ट लेके कहीं। राय ले लेते, आपकी बात आ गई, किस तरह की ग्लोबल इमेज ये बना रहे हैं अपनी, इनको नहीं पता है। ऐसे में फ्रांस बोलेगा कि मैंने सही किया, शिनजियांग में चाइना बोलेगा कि मैं सही कर रहा हूँ। सही बात कि देखिए, अलकायदा एक आतंकवादी संगठन था, 10-20-25-50 हजार 1 लाख लोग वो थे। उन्होंने जो इमेज बनाई, पूरी भुगतना किसको पड़ा, पूरी दुनिया भर के मुसलमानों को, हर जगह शक की निगाह से। रोहिंग्या कुछ मुसलमान थे, बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसी भगदड़ मचाई कि उनके कारण जलील और शक की निगाह से सारे मुसलमान देखे जा सकते हैं। तो मैं अपील ये करना चाहूंगा कि भाई आप ऐसी हरकतें मत करिए। कुछ लोग हरकतें करते हैं और इमेज जो है पूरी दुनिया भर में फजीहत शुरू हो जाती है। रही बात पॉलिटिक्स की शिफ्ट होने की है, ऐसा कोई प्लान तो था नहीं कि भाई नूपुर शर्मा को स्ट्रेटजी के तहत बैठा दिया गया कि भाई यही बोलो ताकि कश्मीर का मुद्दा हो जाए। कश्मीर का अगर मुद्दा था तो मैं ये बोलता हूँ इंटरनेशनल हस्तियों को कूदने की क्या जरूरत है। अल जजीरा एक चैनल है, उसकी कथा मैं बताऊंगा आपको। सऊदी अरब ने कुवैत के ऊपर बैन लगाया था तो उसमें एक डिमांड ये भी थी कि अल जजीरा के ऊपर बैन लगाइए। एक मुस्लिम कंट्री ने ही अल जजीरा के ऊपर बैन लगाने को लेकर शिकायत की थी। तो तहें इसकी बहुत गहरी हैं। अब आपका वो विषय नहीं है, नहीं तो इस षड्यंत्र के ऊपर भी बात किया जाता कि कैसे कैसे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बोलता हूँ, आप हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई एक घटना हुई पता नहीं क्या, अरे घटना हुई तो आप पुलिस में जाओ, कोर्ट में जाओ, आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास जाओ। यहाँ नहीं गए, वो टैग करके पता नहीं कहाँ कहाँ किसकी गोद में जाके बैठ गए। जब तक आप दूसरों की गोद में बैठे रहेंगे, पता नहीं किस ख्वाब में आप जी रहे हैं, कौन से युग में जी रहे हैं, कहाँ किसकी गोद में जाकर के आप बैठ रहे हैं। आपको लगता है कि कोई आपको मदद करने के लिए आएगा, ये कोई मदद उदत नहीं है। जो ओआईसी वाले, मैं बोलता हूँ इतने हिमायती हैं हमारे देश के लिए या देश के मुसलमानों के लिए, तो 25% फ्री दे देना तेल, इसी नाम पे दे दें, जकात के नाम पे तेल दे दें, तेल के दाम तो बढ़ाते जा रहे हैं। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि सब लोगों को ये समझना चाहिए, करता कोई है, वो किसी के बहकावे में आके करता है। और पूरी दुनिया भर में मैं बोलता हूँ बहुत सारे अच्छे मुसलमान भी होंगे, पढ़ने वाले हैं, साइंटिस्ट हैं, उनकी प्रतिभा पे भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अब किस मुंह से आप बोलेंगे, मैं तो बोलूंगा कि भाई इसराइल जो पाठ पढ़ा रहा है वही पाठ सही है, चाइना जो पढ़ा रहा है शिनजियांग में वही पाठ सही है, फ्रांस ने जो पाठ पढ़ाया, दुनिया के लोग तो यही बोलेंगे ना। तो भाई थोड़ा अकल से काम लीजिए, जो भी है।